तो अपनी बेटियों के पास गया तो उसने देखा कि सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पर उसकी बीवी की चोट लगी थी वहीं पे उसकी बड़ी बेटी की भी चोट लगी है जब ये सब कुछ हो रहा था तो बच्ची चिल्लाने लगी थी और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भैरव जी की शक्ति आ गई तो जो छोटी बच्ची थी वो पंडित जी के पास गई उसने कहा पंडित जी मुझे ऐसा पक्की बात पता नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है उसने कहा पंडित जी एक और बात है मुझे लगता है मेरी माँ और दादी जी फिसल के नहीं मरे मेरी माँ और दादी जी को मेरे नहीं मारा है मैं भैरव की कसम खा रही हूँ मैं छूट नहीं बोलूँगी सच में यही हुआ था और मैं तुम्हारी वीवी ही बोल रही हूँ ठीक है थेके? उसकी आवाज भी चेंज हो गई भाई हमारी जो ऑडियंस है उन्हें वो बहुत पसंद है यार हॉरर तो अगर आप कुछ कोई केस आपके पास आया हो या आप बता रहे थे आपकी विलेज की एक स्टोरी है तो विलेज की नहीं यार ये एक्चुअली ना ये स्टोरी मुझे भेज गई थी अच्छा। पर ये बहुत पहले मैं कोई बात बताऊँ तुम लोग तुम लोग कुल देवता पता तुम लोगों को क्या होता है कुल देवता तो पता है ना क्या होता है बहुत सुना है भाई हमने अपने पॉडकास्ट में लोगों ने बताया बेसिकली उत्तराखंड से सुना तो होगा तुम्हें उत्तराखंड में कुल देवता बहुत मानते हैं ठीक है हमारा फैमिली का भी कुल देवता है तो ये जो स्टोरी है मेरे पास ये भी आई थी मेरे पे पौड़ी गढ़वाल से बहुत ही ज़्यादा यू नो भगवान में विश्वास करना कुल देवता कुल देवतियों में विश्वास करना और बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि अपना सब कुछ भगवान को दे देते हूँ भगवान में बहुत मानते हैं पौड़ी गढ़वाल तो बहुत ही आते ठीक है तो ये स्टोरी थी एक फैमिली की बहुत पुरानी सोनी थी नाइनटीन नाइन्टीज़ की थी तो इसमें क्या था कि बहुत छोटा हँसता खंसता परिवार हंसता खेलता परिवार और गाँव में रहते रह थे ये लोग अब इस फैमिली में क्या हुआ इनके दो बेटे हुए पहले बेटे का नाम था सुशील और दूसरे बेटे का नाम था गगन ठीक है तो सुशील और गगन पैदा हुए दोनों गांव में पड़े बड़े लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इनकी टेंथ आने वाली थी तो उनके फादर ने सोचा या फिर उन्होंने भी ये इंसिस्ट करा दोनों बेटों ने सुशील और गगन दोनों ने कि यार पापा हम लोग ना वहाँ चले आते हैं का बाहर पढ़ने चले जाते हैं ठीक है तो उनके फादर ने बोला ठीक है बाहर पढ़ने चले जाओ तो ये लोग आए पहले देहरादून आए थे लोग फिर दर्द उन जमा नहीं तो दिल्ली गए लोग और दिल्ली जाते थे ये लोग तो दिल्ली में पढ़ाई करने लगे इलेवन टवेल्थ की अब इलेवन ट की पढ़ाई करी दिल्ली में तो फिर कॉलेज भी वहीं कर दिया उन्होंने ठीक है पढ़ाई होती रही होती रही दिल्ली में ये लोग एडजस्ट होते रहे लेकिन गाँव में इनके घर वाले फिर भी इनका वेट कर रहे थे है ना बूढ़े पिता बूढ़ी माँ है ना तो वेट कर रहे थे ये लोग इनका और जब इनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो उनके पापा ने इनको कॉल करके पूछा कि राइट तुम लोग कभी वापस आ रहे हो तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरी तो जॉब लगी है सुशील ने बोला मेरी यहाँ जॉब लगी है और गगन ने बोला मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ ठीक है अब इनके घर में क्या था कि जो बड़ा बेटा था इनका सुशील जो था वो बहुत ज़्यादा फेवरेट था दोनों का माँ बाप दोनों का फेवरेट था लेकिन दिखाते नहीं थे वो कि फेवरेट है ना ऐसा वाला तो सुशील ने बोला फिर भी मैं मेरी जॉब लगी है लेकिन आप चिंता मत करो पापा मैं घर आता रहूँगा ठीक है अब ज़िंदगी आगे बढ़ती गई सुशील बड़ा हुआ है ना सुशील बड़ा हुआ सुशील की शादी हुई उसके बच्चे हुए गगन भी आर्मी में लग गया था गगन की भी शादी हुई उसके भी बच्चे हुए तो एक बार इनकी माओम ने इन्हें कॉल करा मदर ने कॉल करा पौड़ी में कि कुल देवता की पूजा हो रही है वापस आ जाओ तुम लोग मुझे कुछ नहीं पता ठीक है तो लोग वापस चले गए अब कुल देवता भी अलग अलग होते हैं ठीक है इन लोग का था भैरव भैरव सुना हुआ ना आपने भैरव में एक तो एंगर बहुत होता है ठीक है लेकिन वो एंगर किसी नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं होता है इट्स फॉर अ पॉजिटिव थिंग अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए एक भाई एक भाई को बचाने के लिए ऐसे टाइप का गुस्सा होता है कि भाई पे किसी ने हाथ लगा दिया तो उनका हम बदला लेंगे तो बेसिकली प्रोटेक्शन का एक वो बोलो तुम जरिया कुल हमारे भैरव जी होते इनके भैरव जी थे इनकी फैमिली के भैरव जी थे ठीक है कुल देवता तो भैरव की पूजा हो रही थी ये लोग गए वहाँ और पूजा करते करते लाइक उससे कुछ फील हुआ सुशील को कुछ फील हुआ कि सॉरी गगन को कुछ फील हुआ कि यार शायद मुझे वापस आ जाना चाहिए शायद मुझे गाँव में रहना चाहिए अपने घर वालों के साथ शायद मुझे गाँव में रहना चाहिए लेकिन सुशील को ये चीज़ फील नहीं हुई ठीक है अब गढ़वाल में क्या होता है ना एक बहुत ही तुम लोगों ने शायद सुना होगा पहले बंटवारा ठीक है जमीन बे मतलब बांट देते हैं बच्चों में और ये सब कुछ हो रहा होता है तो ये लोग आए हुए थे घर इनकी फैमिलीज भी आई हुई थी इनकी बीवियाँ भी आई हुई थी बच्चे भी आए हुए थे तो उनके फादर ने सोचा है कि बंटवारे का टाइम आ गया शायद से अब मैं बुढ़ा भी हो गया है ना उनकी तबीयत भी खराब हो रही उन्होंने कहा बंटवारा कर देते हैं अब गगन ने अपने फादर को बताया कि मेरा गांव में रहने का मन है तो उसके पापा खुश हो गए कि चलो हमारा एक बेटा तो यहाँ पर रहेगा लेकिन फिर भी फेवरेट कौन था बड़ा बेटा ठीक है बड़ा बेटा फेवरेट था तो इनके फादर ने क्या करा है? जैसे हंड्रेड की जो जमीन थी उसमें से अस्सी दे दी सुशील को बड़े बेटे को और बीस के जो खेत थे जिनमें खेती वगैरह होनी थी वो दे दिया गगन को ठीक है अब गगन इस बात से छिड़ गया ठीक है उसने कहा मैं गांव में रह रहा हूँ तुम बड़े भैया को दे देरो सारी जमीन उस तो यहाँ रहना भी नहीं है ठीक है तो इस बात पर इनका बहुत विवाद होता था अपने फादर से भी और उसके पापा बोलते थे यार मैं बुढ़ा हूँ मेरी ना तबीयत ख़राब है तू मेरे से क्यों लड़ रहा है है ना मैं यही चाहता था तो मैंने यही करा अगर तू मुझे लायक लगता तो मैं तुझे दे देता है ना तो सुशील को लगा कि यार ज़्यादा बहस ना हो तो इसीलिए उसने अपने जो अपने जो हिस्से की ज़मीन मिली थी उसमें से आधी ज़मीन अपने छोटे भाई को देती गगन को और वो चले गया दिल्ली काम करने के लिए अपनी फैमिली के साथ अब गगन ने सोचा कि जब मेरे पास यहाँ इतनी जमीन है ही तो मैं यहाँ रह लेता हूँ थोड़ा टाइम ठीक है और आर्मियों की आर्मी वालों की ना छुट्टी होती है तुमने देखा होगा दो तीन महीने की छुट्टी होती है आ जाते हैं वापस घर आ जाते हैं तो उसने उस पूरे टाइम गाँव में खेती करी अपने पापा की मदद करी अपनी मम्मी की सेवा करी है ना गाँव वालों से मिला जुला वो और उससे बहुत ही अच्छा लग रहा था इस टाइम पर कि उसकी बीवी को भी अच्छा लग रहा था उसकी बीवी का नाम था मधु आई थिंक सो हाँ मधु ठीक है उनकी बीवी का नाम था मधु तो गगन मधु और उनकी दो बेटियाँ यहीं रहते थे गाँव में घुल मिल गए थे लोग ठीक है ना गाँव में घुल मिल गए थे अब दोबारा से कुल देवता की पूजा होती थी तो गगन को जब भी कुल देवता की पूजा होती थी उसे कुछ ना कुछ महसूस होता था पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं हमें लेकिन उसे महसूस होता था कि हाँ इस पूजा से मेरे पे कुछ असर पड़ रहा है ठीक है तो गगन का और मन करने लगता था गांव में रहने का लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया जब उसे वापस आर्मी में जाना ही था तो उसने अपनी बीवी को बोला कि मैं चलता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर ध्यान रखना ठीक है मेरी माँ का ध्यान रखना मेरे पापा जी का ध्यान रखना बच्चों का ध्यान रखना तो तुम यहीं रहो मैं जाता हूँ ठीक है अब वो चले गया और इन लोगों की लाइफ अच्छी खासी बीत रही है तो क्या हुआ कि अचानक से इनके फादर की तबीयत खराब हो गई ठीक है क्योंकि बुढ़े भी थे वो बुज़ुर्ग भी थे वो तो उनकी तबीयत खराब हो गई उन्होंने इसे कॉल करके बोला कि गगन जल्दी वापस आ जाओ सुशील जल्दी वापस आ जाओ सुशील उस टाइम पे वापस घर नहीं आ पाए उसकी जॉब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चली थी और उसने सोचा कि शायद तबीयत खराब हो रही है मेरे फादर की तबीयत खराब होती रहती है कुछ सीरियस नहीं होगा गगन पहुँचा घर अब गगन जिस दिन घर पहुँचा उस दिन रात में उनके फादर की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली ठीक है तो गगन ने सारा क्रियाक्रम करा अच्छे से सब कुछ करा और गांव में भी यू नो क्रियाक्रम के बाद जैसे लोग मिलने आते हैं तो गगन ही था अब उस घर का एक तरीके से मर्द जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसका मर्द अब गगन ही था जब मिलने आ रहे थे तो गगन ही सबसे मिल रहा था सबका दिलासा ले रहा था यू नो बातें बूते कर रहा था और अचानक से एक हफ़्ते बाद सुशील आया और पूरे गाँव वाले सुशील से बात करने लगे कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे फादर के साथ है ना ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे आदमी थे ऐसा ऐसा करके गगन को वो चीज़ भी कहीं ना कहीं उसे बुरी लग गई कि यहाँ सब कुछ मैं देख रहा हूँ और तुम लोग फिर बड़े भाई पर वो कर रहे हो फिर तो उसने बोला छोड़ो कोई बात नहीं ठीक है अब सुशील जब घर वापस आया तो उसने गगन से बोला कि एक काम कर तू आर्मी की आर्मी का, का काम छोड़ दे है ना माँ को भी तेरी ज़रूरत है यहाँ पे हमारे मतलब उनका गाय भैंस भी थी उन्होंने कहा तू छोड़ दे सब कुछ मैं कमा लूँगा मैं घर पैसे भेज दूंगा तू यहीं रह ठीक है गगन ने भी पहले सोचा सोचा फिर उसने कहा ठीक है मैं यहीं रहता हूँ अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी गाँव की गगन पूरा गाँव में रहता था तो गांव के जैसे होता ना कि खेत वगैरह मतलब खेती बाड़ी करना ये सारी चीज़ें करना वैसा काम करता था वो अब क्या हुआ कि गगन यहाँ रह रहा था तो उसका तीसरा बच्चा होने वाला था अच्छा ठीक है उसकी दो बेटियाँ पहले से थी गगन तीसरा बच्चा पैदा होने वाला था तो वो खुश था और गाँव के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे पहाड़ों की बात एक बहुत ज़्यादा सही ये है कि पहाड़ में, पहाड़ों में सिर्फ रास्ते होते टेढ़े मेढ़े वहाँ लोग बहुत ज़्यादा सिद्ध होते हैं सब लोग खुश हो रहे हैं ऐसा लग रहा था उन्हीं का बच्चा पैदा हो रहा है ठीक है तो वो लोग खुश थे उनके लिए अब गगन का जब बच्चा पैर था उसके अगले दिन बारिश होना शुरू हो गया था ठीक है अब बारिश हो रहा था तो सुबह इनकी बीवी और माँ घास के लिए जाती थी और गगन ने बोला कि मैं काम से आ रहा हूँ तुम दोनों घास के लिए चले जाओ लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसकी मम्मी और बीवी की डेथ हो गई एकदम से एकदम से वो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से आते हैं ना मतलब पहाड़ में जा रहे थे तो कच्चे रास्ते आते हैं और मिट्टी आ गई यू नोट कीचड़ कीचड़ हो गया तो फिसल के उनकी मौत हो गई ठीक है तो फिसल के उनकी मौत हो गई तो गगन ने बोला शाम हो गई थी तो शाम ने बोला शाम हो गई तो गगन ने बोला कि मेरी बीवी और माँ कहाँ है तो वो गया वहाँ पे ढूंढने के लिए पूरे गांव वालों के साथ गया हुआ तो गांव वाले में से किसी एक ने उनकी माँ और उनको बोला कि देखो ये खाई से नीचे गिरे हुए हैं तो वो लोग गए फटाफट फटा वहाँ पर गए तो पहली बार देखने में तो यही लग रहा था कि हाँ ये गिर के मरे हुए हैं मतलब फिसल के मर गए हैं लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर पक्यूलर बात थी उन पर ये थी कि उसकी बीवी की छाती के यहाँ पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी अच्छा इधर साइड लेफ्ट साइड पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी तो पहला थाट उनका ये आ रहा है कि पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में सियार बहुत होते हैं ठीक है तो उन्हें ये लगा कि शायद से किसी सियार ने है ना डेड बॉडी पड़ी हुई सुबह शाम तक सियार ने नोच लिया होगा लेकिन शयार जैसी चोट नहीं थी वो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है अब वो दुख में भी था तो वो ये बताना नहीं चाहते थे कि, कि किसी ने तेरी बीवी का ना मांस खाया तो उन्होंने चुपचाप ढका उसको और वो घर आ गए फिर इसने क्रियाक्रम करा अब गगन का ये हो गया था कि पापा तो मर ही गए थे भाई बाहर है है ना मम्मी भी मर गई बीवी भी मर गई सिर्फ दो बच्चे थे उसके पास तो वो अपना ज़्यादा टाइम बच्चों को दे रहा था लेकिन धीरे 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 ना उसको गुस्सा सा आने लग गया था अपनी बेटियों से ठीक है छोटी छोटी बात पर डांट देता था उससे वो तो एक दिन अचानक क्या हुआ गगन की जो बड़ी बेटी थी वो रात में सो रही थी वो और उसकी छोटी बहन साथ में सोते थे और वो रात में चिल्लाने लग गई ठीक है वो नाम लेने लगी अलग अलग नाम लेने लगी और कुल देवता का भी नाम लिया उन्होंने भैरों का भी नाम लिया भैरों का नाम लिया वो सीधा उठी अब गगन को लगाया आया तो रात में चिल्ला रही है उसने उसे मारा ठीक है तो वहाँ से उसने अपनी बेटियों को मारना शुरू कर दिया था और जितना दिन वो उसे मारता गया उसकी बेटी और भी ज़्यादा पागल टाइप की हो रही थी एक तरीके से ठीक है अलग अलग नाम लेती थी वो अलग अलग नाम लेती थी कभी अपनी माँ का नाम लेती कभी कुल देवताओं का नाम लेती ठीक है तो गगन को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है पर वो गुस्सा करने लगे था अपनी बेटियों से अब।, अब एक दिन जब वो उठा तो अपनी बेटियों के पास गया तो उसने देखा कि सेम एग्जैक्ट स्पॉट पर जहाँ पर उसकी बीवी की चोट लगी थी वहीं पर उसकी बड़ी बेटी की भी चोट लगी है एग्जैक्टली exactly वैसी ही चोट एग्जैक्टली exactly उसी स्पॉट पे तो उसको डर लग गया अचानक से उसने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ वो ले गया एक पंडित के पास ठीक है वहीं पे जहाँ पे भैरव दे, देवता का मंदिर था तो वहाँ पे ले गया तो पंडित ने बोला कि यार पंडित ने बोला कि पहले हम इसका झाड़ फूँ करते हैं क्योंकि एग्जैक्टली exactly उन्हें भी क्या होता है ये चीज़ समझ नहीं आती तो उन्होंने कहा पहले झाड़ फूँ करते हैं पूजा करते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है है ना अब अगेन भैरव जी तो अगर ऐसे कुछ हो जाए किसी पे अपने पे चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं है ना तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो बच्ची चिल्लाने लगी थी और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर भैरव जी की शक्ति आ गई जैसे भैरव जी प्रकट हो गए उसके अंदर ठीक है वो चिल्ला रही चिल्लाती चिल्लाती है और उसने एकदम से रोक के अपने पिता की साइड देखा अपने फादर की साइड देखा गगन की साइड देखा ठीक है तो पंडित जी ने उसको रोका उनको शांत करा फिर उसने गगन को बोला तुम इसे घर ले जाओ हम एक पूजा तुम्हारे घर में रखेंगे और फिर वहाँ से सब कुछ जो भी दोष है दोष मतलब बेसिकली की जो भी नेगेटिव एनर्जी है जो भी हुआ होगा वहाँ से पता चलेगा अब गगन उसे घर तो ले जा रहा था तो उसने उसकी छोटी बहन को रोका उसने छोटी बहन को रोके बोला कि अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखता रखना जब तक मैं कल तुम्हारे घर नहीं आता हूँ सारी सामग्री के साथ ठीक है अब छोटी बहन को क्या समझ आता वो तो बच्ची थी दस साल की उसने कहा ऐसा क्यों बोला फिर भी उसने कहा ठीक है मैं अपनी बहन के साथ सो जाती हूँ अगला दिन हुआ शाम शाम का टाइम है ना रात का टाइम पूजा उसी टाइम पर होती है पौड़ी में तो शाम को सारे लोग आ रखे थे पूरा गाँव वहाँ पर आ रखा था और भैरव का वो हो रहा था नृत्य हो रहा था बेसिकली है ना नाच हो रहा था तो पूजा हो रही थी भैरव जी के लिए और धीरे धीरे जो बड़ी बेटी थी उनकी उसको गुस्सा आ रहा था और बार बार एक ही चीज़ चिल रही थी मधु 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 अपनी माँ का नाम ले रही थी मधु मधु बोल रही थी बस और कुछ नहीं बोल रही थी ठीक है तो जो छोटी बच्ची थी वो पंडित जी के पास गई उसने कहा पंडित जी मुझे ऐसा पक्की बात पक्की बात पता नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है मेरी बड़ी बहन के अंदर मेरी माँ का भूत आता है उसने ऐसा कहा पंडित जी से तो पंडित जी ने कहा कि आपको पक्का शौर है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप तो उसने कहा कि जब वो रात में चिल्लाती है तो कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं जो सिर्फ मुझे और मेरी माँ को पता थी ठीक है तो उसने कहा ठीक है अब वो बच्ची वापस जा रही थी तो वो दोबारा घूमी वापस उसने कहा पंडित जी एक और बात है मुझे लगता है कि मेरी माँ और दादी जी फिसल के नहीं मरे मेरी माँ और दादी जी को मेरे पिताजी ने मारा है और ठीक है हाँ ये छोटी बेटी बोलती है पंडित जी से मेरी माँ और मेरी जो दादी थी उनको मेरे पिताजी ने मारा है अब पंडित ने बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तो उसने कहा दोबारा से जब मेरी बहन रात में उठती है जब वो सिर्फ़ मतलब अपना नाम लेती हैं मेरे ऐसी बातें बताती हैं जो सिर्फ हम दोनों को पता थी तो तब मेरी माँ ने ही मुझे बताया था ये चीज़ कि तुम्हारे पापा ने मुझे धक्का दिया था ठीक है अब पंडित जी ने बोला कि ठीक है अभी तो हम पूजा नहीं रोक सकते हैं गाँव वाले हैं ना पूजा नहीं रोक सकते मैं इसके बाद तुमसे बात करूँगा लेकिन वो छोटी बच्ची उसको पंडित को छोड़ के नहीं गई वहाँ से ठीक है पूजा ख़त्म हुई और पंडित जी ने गगन को बुलाया अपने पास और उसके बड़े भाई को भी बुलाया तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ऐसा ऐसा करा ऐसा ऐसा करा उसने कहा नहीं ठीक है तो जो छोटी बेटी थी ना वो बहुत देर से चला चला के थक गई थी तो सो रही थी ठीक है तो जब वो ये सारे क्वेश्चन पूछा था पंडित जी गगन से सारे क्वेश्चन पूछा था तो वो एकदम से उठी तो उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि एक्चुअल में हुआ क्या अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि गगन अपने भाई से बहुत चिड़ता था बहुत ज़्यादा चिड़ता था और गगन था आर्मी वाला आर्मी वाला लड़का था वो ठीक है तो गगन को हमेशा से एक लड़का चाहिए था जिसे वो मतलब अपने तौर तरीके सिखा सके है ना आर्मी में भेज सके मर्द मर्द टाइप को बना सके ऐसा टाइप का उससे एक लड़का चाहिए था पर गगन को ऐसा कहीं से या तो उसे सुना या तो उससे ऐसा अंधविश्वास से कुछ हो गया था कि उसकी जो तीसरा बच्चा होने वाला है वो भी एक लड़की ही होगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस बात से अपनी बीवी से अब उसकी बीवी तो ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती कि कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है राइट इट्स नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है पर फिर भी वो अपनी बीवी से लड़ता था इस बारे में तो एक दिन लड़ाई करते करते क्या हुआ कि उसने अपनी बीवी को रात में बोला कि मुझे बेटा ही चाहिए मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो मुझे बेटा ही चाहिए तो ये चीज़ उसकी माँ ने सुन ली थी ठीक है और नॉर्मली क्या होता था कि उसकी माँ उसकी बीवी के साथ घास पे नहीं जाती घास पे मतलब घास लेने नहीं जाती थी गाय भैंस के लिए ले। लेकिन उसके अगली सुबह जगह तुम्हें बताया था ना जितने बारिश होती उसकी माँ भी उसके साथ गई ताकि वो अपनी बीवी उसकी बहू से बात कर सके कि तुम चिंता मत करो मैं गगन को सब कुछ समझा दूंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है सब कुछ पर गगन था गुस्से में तो गगन इन दोनों के पीछे गया उसे लगा कि मेरी माँ कुछ पट्टी पढ़ा रही है मेरी बीवी को ठीक है तो उनके पीछे पीछे गया ये सोचते हुए कि मैं इसको ढंग से समझाता हूँ आराम से बात करता हूँ लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते, करते उसे गुस्सा आ गया तो उसकी माँ ने बोला बहू को छू मत बहू को मार मत ठीक है तो उसने कहा क्यों क्या कर लोगे तो उसने पहले आ, अपनी माँ को ही धक्का दे दिया तो उसकी माँ गिर गई ठीक है उसकी माँ खाई से नीचे गिर गई अब उसकी बीवी ने कहा मैं सबको बता दूंगी सबको बता दूंगी तो उसने खंजा निकाला अपने उससे और अपनी बीवी कैसे डाला बाहर खींचा और क्योंकि उसके चोट लगी थी तो डिसबैलेंस हो गया तो फिर वो वहाँ से नीचे गिरी ठीक है तो ये चीज़ भी तो ये सब कुछ जब एक बच्ची बोल रही है बच्ची के अंदर आत्मा बोल रही है तो पुलिस उस स्टेटमेंट का क्या करेगी कुछ नहीं कर सकती है ना भाई भूत की बात को नहीं माने गए, पुलिस वाले तो बच्ची ने बोला नहीं भैरव की कसम मैं भैरव की कसम खा रही हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी सच में यही हुआ था और मैं तुम्हारी वी, -वी ही बोल रही हूँ ठीक है उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी पर फिर भी पुलिस वालों को बुलाया गया था यहाँ पे अब इसके बाद अब पुलिस वाले दोबारा वही चीज़ हम भूत की बात पर मान मान नहीं सकते लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो जो चोट थी वो सच में किसी श्यार या फिर किसी कुत्ते की काटने की नहीं लग रही थी मुझे वो किसी चाकू की लग रही थी तो इस बेसिस पे उन्होंने गगन को अरेस्ट तो नहीं कर सकते थे वो लोग पर उन्होंने उसे पकड़ के रखा वहाँ कस्टडी में हाँ, कस्टडी में रखा लेकिन फिर बाद में पता चला कि गगन ने तो प्लाट के हिसाब से भी बहुत सारे मतलब घपले वगैरह करे हुए तो उस बेसिस पे उन्होंने फिर उसे अरेस्ट ही कर लिया अब क्या हुआ कि गगन तो अरेस्ट हो गया था लेकिन उनकी फैमिली में कोई नहीं था बच्चा कहाँ जाती लेकिन फिर थैंकफुली जो उनका बड़ा भाई था सुशील उसने कहा कि मैं तुम लोग को अपने साथ ले जाता हूँ बच्चों ने बोला कि हम तो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे तो सुशील ही अपनी फैमिली के साथ गांव मूव हो गया था थैंकफुली ये हुआ था भाई ये तो अलग ही कहानी है भाई ये कैसा मरता भाई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ना करवा देती है लोगों से ऐसी चीजें भाई भाई जो साइको होता है ना वही करता है वैसे देख बटवारे कहानी होते हैं हर घर में होते हैं हर घर में कतल थोड़ी होते रहते हैं फिर पर ये तो करा उसने लड़के के चक्कर में